स्टूडेंट्स, आज हम डीए सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 6 मैथ 2212 चैप्टर नंबर 8 मैथ 233 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। ये इसकी फार्मूला लिस्ट है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। ये फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर ये फार्मूला है, इसका ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। और अगर हम 1 को इधर ले आएँ तो ये कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो कॉट एक्स किसके इक्वल हो गया, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको इंटीग्रेशन इसके अलग अलग करेंगे तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव का फार्मूला है ये इक्वल टू होता है माइनस कॉट एक्स, और 1 का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है एक्स। तो ये माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, 2 सेकेंड 2x। तो हमने ये किया कि इस 2 को उठाकर इस साइड पे ले आए तो ये सेकेंड 2x और 2x हो जाएगा। अब हमने लेट किया 2x इज इक्वल टू टी, तो 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2dx हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये क्या होगा 1dt। तो क्वेश्चन वापस लिखा है, और सेकेंड 2x 2x किसके इक्वल था t के, तो ये सेकेंड t हो जाएगा, और ये 2dx ये किसके इक्वल है dt के, तो ये सेकेंड t हो जाएगा। अब सेकेंड x का एंटी डेरिवेटिव का फार्मूला है ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस टेन एक्स। तो नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड t प्लस टेन t प्लस c हो जाएगा, और फिर t किसके इक्वल था, t इक्वल टू था 2x के। तो वापस हम t की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो t 2x, और यहाँ भी t 2x हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन 9x कॉस एक्स। हमने लेट किया साइन एक्स इज इक्वल टू टी। लेट करते वक्त इस बात का आपने ख्याल रखना है कि उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। तो साइन एक्स को हमने लेट किया है टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स और साथ डी एक्स, और टी का डेरिवेटिव 1 और साथ डी टी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन वापस लिखा, साइन 9x कॉस एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स किसके इक्वल था, साइन एक्स था टी के इक्वल। तो ये टी की पावर 9 हो जाएगी, और cos x dx ये इक्वल टू था dt। और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में हम पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो t की पावर 10 डिवाइड बाय 10 प्लस c हो जाएगा, और ये t की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो t किसके इक्वल था sin x के, तो यहाँ पे देखेंगे sin x हो जाएगा। तो ये sin की पावर 10x और 1 ओवर x हो जाएगा, और ये डेरिवेटिव का फार्मूला है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। ये स्टूडेंट आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। हमने इसको रीअरेंज किया है, तो अंडर रूट कॉट एक्स को पहले लिख दिया और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को बाद में लिखा हुआ है, और लेट किया है कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। लेट इसलिए कॉट को किया है क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आगे मौजूद था इसलिए हमने इसको कॉट को लेट किया, तो इसका डेरिवेटिव लिया। तो कॉट का डेरिवेटिव का ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, कॉट एक्स इक्वल टू था माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और वन का एंटी डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1dt आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इसके साथ माइनस नहीं लगा हुआ कोसेकेंट के साथ, तो हम माइनस लाने के लिए यहाँ भी माइनस लगा दें, यहाँ भी माइनस लगा दें, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, ये बैलेंस हो जाएगा। अब कॉट की जगह पर हमने टी लिखा, अंडर रूट खत्म किया तो पावर 1/2 हो जाएगी, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ये डी टी के इक्वल है। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये 3/2 डिवाइड बाय 3/2, और फिर हमने क्या करना है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो उसे उल्टा देना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो -2/3 हो जाएगा, और टी किसके इक्वल है, टी इक्वल टू है कॉट के, तो कॉट 3/2 प्लस एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स ई एक्स डी एक्स। इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए एक रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब करते हैं, जब दो फंक्शन क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो इसमें हम ये करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, एंटी डेरिवेटिव लेते हैं सेकेंड का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस, फिर एंटी डेरिवेटिव
फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का एंटी डेरिवेटिव अगेन, यहाँ पे भी एंटी डेरिवेटिव सेकंड का लेना है और यहाँ भी सेकंड का एंटी डेरिवेटिव लेना है, और फर्स्ट को यहाँ पर एज इट इज लिखना है और इस इंटीग्रेशन के अंदर उसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट को एज इट इज लिखा, सेकंड का एंटी डेरिवेटिव लिया, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया और सेकंड का एंटी डेरिवेटिव लिया। तो ई एक्स का एंटी डेरिवेटिव इसका फॉर्मूला है, ई एक्स का एंटी डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और ई एक्स का एंटी डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा। यहाँ पे फिर ई एक्स का एंटी डेरिवेटिव लेना है तो वो ई एक्स ही होगा। तो ये इस तरह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है टैन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखें, एक फंक्शन गिवन है, दूसरा फंक्शन इसके साथ नहीं गिवन, तो हमने दूसरा फंक्शन जो है वो क्या बना लिया, वन। ये समझ लें, ये u है और ये क्या है, v। तो हम क्या करते हैं, u को एज इट इज लिखते हैं और v का एंटी डेरिवेटिव इस रूल के तहत, यहाँ पे देखें ये रूल है, u को एज इट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u और एंटी डेरिवेटिव ऑफ v। तो वन का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, x। तो इसका एंटी डेरिवेटिव यहाँ मैंने लिख दिया x और ये tan इनवर्स x है, और फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 1 का एंटी डेरिवेटिव x। तो अब ये देखें कि यहाँ पे एक रूल है कि नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो इसका एंटी डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे देखें, इसका डेरिवेटिव देखना था, इसका डेरिवेटिव नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव हो, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। x हमारे पास मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है, तो हमने x तो यही लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये रूल बन गया, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो ये नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन होता है। ये आपने याद रखना है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव नहीं बन रहा तो किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू जी।